हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कविता एंड आप देख रहे हो मेरे चैनल यू की डिलाइट। दोस्तों आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आईक्यू ने अपना नया स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च कर चुका है एंड ये है आईक्यू नियो 7 SE। दोस्तों ये आईक्यू नियो 7 की अपग्रेड वेरियंट है। दोस्तों आईक्यू नियो 7 SE दुनिया का सबसे पहला फोन है जो मीडिया टेक डायमंडसिटी 8200 प्रोसेसर के साथ ये लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया में आते ही आई होप इसका नाम चेंज हो जाएगा आईक्यू नियो 7 SE 5G फोन। तो दोस्तों इस फोन की कुछ झलक देख लेते हैं, कैसा इसका डिजाइन है एंड इसका लुक कैसा है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आईक्यू नियो 7 SE अपनी स्टोरेज के हिसाब से 5 वेरिएंट में ये लॉन्च किया है चाइना में। इंडिया में कितने वेरिएंट के साथ लॉन्च करेगा कोई आइडिया नहीं है, जब लॉन्च करेगा तभी पता चलेगा। तो वेरिएंट की बात करें तो एक आता है 8GB रैम के साथ, 128GB स्टोरेज के साथ एंड नेक्स्ट आएगा आपको 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज एंड नेक्स्ट आएगा आपकी 16GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज एंड नेक्स्ट एक आएगा आपकी 12GB रैम प्लस 512GB स्टोरेज के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये सभी अभी चाइना में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट इंडिया में कितने स्टोरेज के साथ लॉन्च करेगा कोई आइडिया नहीं है, जब ये लॉन्च होगा तभी पता चलेगा। सो बात करते हैं कलर के बारे में। तो ये 3 वेरिएंट में आता है, एक तो गैलेक्सी और स्टार ब्लैक और इलेक्ट्रॉनिक ब्लू समथिंग ऐसे बोल के आता है। तो ये 3 वेरिएंट में कलर लॉन्च किया है। की बात करें तो इसमें आपको 6.78 इंचेस फुल HD अमोल्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगा विथ 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। एंड अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाएगा विथ आपको 120W की फास्ट चार्जिंग के साथ। एंड इसकी जो USB टाइप है वो भी USB टाइप सी सपोर्ट के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, अगर कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 3 रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि आजकल लगभग सभी फोन्स में 3 रियर कैमरा होता है। इसकी मेगापिक्सल्स की बात करें तो मेन कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, सेकंड आपको 2+2 मेगापिक्सल्स का 2 कैमरा देखने को मिलेगा। एंड सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल्स की सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ मिलेगा एंड AI फेस अनलॉकिंग सिस्टम सेटिंग्स भी इस फोन में आपको देखने को मिलेगा। और अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है एंड साथ ही वाईफाई भी है, GPS है, जो भी कनेक्टिविटी सिस्टम इसमें सभी अवेलेबल हैं। सो गाइस, आप लोगों को इस फोन की सभी फीचर्स कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की टेक वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे और एक वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।